हेलो एवरीवन, बेटा आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को। इसमें बेटा हम लोग काफी हद तक आगे निकल चुके हैं। हम लोगों ने अब तक बेटा पूरा का पूरा गैमेटोजेनेसिस से लेकर के फर्टिलाइजेशन प्रोसेस तक को समझ लिया है। फर्टिलाइजेशन में हमने देखा था कि जो एम्ब्रॉय सैक होता है, एम्ब्रॉय सैक के अंदर दो फर्टिलाइजेशन होता है यानी डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या था आपको पता है, एक सिंगेमी होता है, एक ट्रिपल फ्यूजन होता है। सिंगेमी किसमें होता है बेटा, वो होता है एक के साथ फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज करता है, और जो सेकंड मेल गैमेट फ्यूज होता है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद, सीधा सीधा कहने का मतलब कि फर्टिलाइजेशन के बाद ऐसे कौन से इवेंट होते हैं, वो कौन कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं, उनको हम आज इस वीडियो लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, आज हमारा मेन यहाँ पर जो टॉपिक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन है, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जो इवेंट जो होगा उसके आगे कौन से जो नए फीचर्स एम्ब्रॉय सैक के अंदर बनेंगे उसी को हम समझेंगे। ठीक है बेटा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, दोनों का नाम यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। पहला है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय एंड एंडोस्पर्म। बात समझिएगा बेटा, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन किया था पहला मेल गैमेट एक के साथ, वो क्या बनाएगा, वो बनाता है बेटा एम्ब्रियो, ठीक है ना, जो कि डिप्लॉइड होता है। और जो सेकेंड मेल गैमेट फ्यूजन किया हुआ है किसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ, वो जो ट्रिप्लॉइड था, ट्रिपल फ्यूजन था, वो क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म। वो आपको पता है वो किस रूप में था, पेन के रूप में था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के रूप में था। जब वो सेंट्रल सेल में मौजूद होता है तो वो क्या कहलाता है बेटा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक है ना बेटा। अब ये जो एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म को पहले समझ लीजिए कि एंडोस्पर्म में क्या जितने भी सीडेड प्लांट होते हैं क्या ये सब में ये एंडोस्पर्म बनता है। जी हाँ बेटा, सब में बनता है, लेकिन सब में ये डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। जैसे देखा जाए तो जिम्नोस्पर्म भी सीडेड प्लांट है, और हेटरोस्पोरी जो हम पढ़ चुके हैं बेटा, वो टेरिडोफाइट्स में जो सिलेजनेला वाला पौधा था, याद करो उसको, ठीक है ना। तो उसमें भी कुछ सीड देखने को मिले थे, ठीक है ना, सीड के प्रूफ देखने को मिले थे। वहां पर भी एंडोस्पर्म बनते हैं, लेकिन वो एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होते हैं। जैसे ही एम्ब्रॉय डेवलप होता है वो धीरे धीरे डीजनरेट हो जाते हैं, सप्रेस हो जाते हैं। तो एंडोस्पर्म वहां पर भी बनते हैं, लेकिन वहां पर जो न्यूक्लियाई होता है, एंडोस्पर्म होता है, वो डिप्लॉइड या ट्रिप्लॉइड नहीं होता है, वो हैप्लॉइड होता है। लेकिन यहां का जो एंडोस्पर्म है ये कैसा है बेटा, कहने का मतलब कि जो एंजियोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म है वो कैसा है, ट्रिप्लॉइड है। और जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइट का जो एंडोस्पर्म है वो कैसा है, हैप्लॉइड है, वो डीजनरेट हो जाता है। लेकिन एंजियोस्पर्म में यानी फ्लावरिंग प्लांट में वो आगे क्या बनाता है, सबसे पहले तो एंडोस्पर्म क्या चीज होता है ये चीज समझ लो बेटा, ठीक है ना। एंडोस्पर्म क्या होता है, देखो बेटा, एंडोस्पर्म साफ साफ एनसीईआरटी ने भी लिखा हुआ है कि यह एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, जो कि सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज होने वाले मेल गैमेट से बनता है, ठीक है ना। अब यहां पर क्या लिखोगे, इट इज न्यूट्रिटिव टिश्यू, ठीक है ना बेटा, न्यूट्रिटिव टिश्यू प्रोड्यूस्ड बाई फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट, ठीक है ना बेटा, फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस विद मेल गैमेट्स, ठीक है ना बेटा, मेल गैमेट्स, ठीक, क्लियर हुआ बेटा। यहां पर न्यूट्रिटिव टिश्यू बता रहा है कि ये न्यूट्रिटिव टिश्यू है, जो कि बनता है किससे, वो सेकेंडरी न्यूक्लियस से। किसमें था बेटा, वो पोलर सेल के अंदर था, ठीक है ना, पोलर सेल के अंदर, सेंट्रल सेल के अंदर था, वो पोलर न्यूक्लियाई कहलाता है। सेंट्रल सेल के अंदर था, पोलर न्यूक्लियाई कहलाता है। उसी जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है उसी, वो फ्यूज हो जाता है किसके साथ, मेल गैमेट्स के साथ। वो क्या बनाता है बेटा, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना, जो हाँ बेटा। अब सवाल ये है कि ये एंडोस्पर्म बनता कैसे है, ठीक है ना।
अब ये एंडोस्पर्म बनता कैसे है, अभी आपको ये समझ में आ गया, न्यूट्रिलिटी टिश्यू होता है, न्यूट्रिशन किसको प्रोवाइड करता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रोवाइड करता है, वो हम आगे भी समझेंगे, ठीक है ना। यहीं पर समझ लो बेटा कि जो जो एंडोस्पर्म होता है, ये जो एम्ब्रॉयड डेवलपमेंट कर रहा होता है, उसी को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें रिजर्व फूड मटेरियल्स होते हैं। अब इसको समझिए कैसे एंडोस्पर्म बनता है। आपको पता है कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या होता है बेटा, ट्रिपल फ्यूजन, ये कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, ये आपको पता है। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है, ये कई बार, ठीक है ना, कई बार ये सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन करता है, ठीक है ना। आप यहां पर समझिए क्या करेगा, ये न्यूक्लियर डिवीजन करेगा, न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन करने के बाद ये बनाता है बेटा, न्यूक्लियर डिवीजन करने के बाद ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनाता है, क्या बनाएगा, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनाएगा, ठीक है ना, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनाएगा। अब जैसे आप, जैसे यहां पर एनसीईआरटी ने थोड़ा सा एक टेंडर कोकोनट का, जैसे जो जो कच्चा कोकोनट होता है, इनिशियल जो कोकोनट होता है, उसमें आप लोग पाइप डाल के ऐसे जो पीते हो ना, वो क्या होता है, वो एक्चुअल में बेटा ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ही होता है कुछ समय बाद, ठीक है ना। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनने के बाद वो क्या होगा, वो जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है उसके ऊपर सेल वॉल का फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है, सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। यहां पर क्या होगा, सेल वॉल का, इसी फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के ऊपर अगर सेल वॉल का फॉर्मेशन होने लगता है तो ये क्या बना लेगा बेटा, सेलुलर एंडोस्पर्म बना लेगा, क्या बना लेगा, सेलुलर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है ना। अब जैसे यहां पर मैंने आपको बताया कि जो कोकोनट वाटर होता है, ठीक है ना, टेंडर्ड कोकोनट की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर लिख ही लीजिए, समझ जाएंगे आप, कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर्ड कोकोनट, जो कोकोनट का वाटर होता है वो क्या कहलाता है बेटा, वो कहलाता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। जो पानी आप पीते हो उसका, नारियल का, वो क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, लेकिन अगर इसके ऊपर, अगर इसके ऊपर एक मिनट, इसके ऊपर सेल वॉल का डेवलपमेंट हो जाए, ठीक है ना बेटा, सेल वॉल का डेवलपमेंट हो जाए, जैसे नारियल में होता है ना, नारियल में जो सफेद वाला हिस्सा होता है उसको कर्नेल कहते हैं, ठीक है ना, जो आप लोग खाते हो, ठीक है, उसको व्हाइट कर्नेल कहते हैं, व्हाइट कर्नेल, यानी ये कर्नेल कैसे बना, ये कर्नेल किससे बना, क्योंकि इसके ऊपर सेल वॉल का डेवलपमेंट हो गया। जैसे ही सेल वॉल का डेवलपमेंट हो जाएगा वो क्या बन जाएगा बेटा, सेलुलर एंडोस्पर्म बन जाएगा, ठीक है ना, सेलुलर एंडोस्पर्म बन गया। एक बार आप इसको ऐसे फिर से समझ लीजिए बेटा कि जो एंडोस्पर्म होता है वो न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, कैसे बनता है बेटा, वो ट्रिपल फ्यूजन होने के बाद ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है ये कई बार न्यूक्लियर डिवीजन करता है, न्यूक्लियर डिवीजन करने के बाद ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। जैसे नारियल का जो पानी होता है ये फ्री न्यूक्लियस एंडोस्पर्म होता है, लेकिन इसके ऊपर जैसे ही सेलवाल का फॉर्मेशन हो जाता है तो वो सेलुलर एंडोस्पर्म बना लेता है। तो आप इसी में समझ जाइए कि ये क्या चीज है बेटा, जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है ये नारियल का पानी है, और ये वाला क्या है, ये है उसका सफेद वाला हिस्सा जिसे हम कर्नल कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि अब एक सवाल ये भी है कि जैसे आप कहते हो कि बेटा कि जो नारियल का पानी होता है सफेद, उसमें पानी भी होता है, उसमें सफेद वाला हिस्सा भी होता है, तो एक चीज ये जान लो बेटा कि जिसमें जो पानी वाला हिस्सा होता है ना और जो सफेद वाला हिस्सा होता है, पानी वाला हिस्सा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहला रहा है, सफेद वाला हिस्सा जो है वो क्या कहला रहा है, व्हाइट कर्नल कहला रहा है, यानी कि वो क्या है, वो है ये सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक है ना, सेलुलर एंडोस्पर्म, यानी इसमें दोनों चीजें हैं, यानी कि जो पानी वाला हिस्सा है उस पे कंप्लीटली अभी सेलवाल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, यानी कि अगर उस नारियल में पानी खत्म हो गया
तो इसका मतलब कि टोटल सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा और कर्नेल जो होता है वो प्रॉपरली मोटा हो जाता है, ठीक है ना बेटा। जो व्हाइट वाला हिस्सा होता है जिसको आप खाते हो वो और मोटा हो जाता है। जिसमें अधिक नारियल में पानी होगा वो कर्नेल क्या होगा उसका, पतला होगा। जिसमें कम पानी होगा वो क्या होगा, मोटा होगा। क्यों होगा, आप सिंपली समझ सकते हो। जैसे अधिक सेल वॉल का फ्री न्यूक्लियस एंडोस्पर्म के अंदर सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, वो सॉलिड होता चला जाएगा, और सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो वो लिक्विड के फॉर्म में रहेगा। समझ पाए ना बेटा, ठीक है, होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम जो सीड होता है, सीड के अंदर जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, उस एम्ब्रियो वो एम्ब्रियो क्या जो रिजर्व फूड मटेरियल को होल्ड किया हुआ है एंडोस्पर्म, क्या वो उसको कंप्लीटली कंज्यूम कर पाता है या फिर कंप्लीटली कंज्यूम नहीं कर पाता है। दोनों कंडीशन होती है बेटा। इसमें बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो एम्ब्रियो होते हैं, क्या ये एम्ब्रियो जब डेवलप कर रहे होते हैं तो क्या ये कंप्लीटली एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर जाते हैं। यदि बेटा ये कंप्लीटली कंज्यूम कर जाते हैं तो उसमें एंडोस्पर्म नहीं बचेगा, यानी जब सीड का फॉर्मेशन हो गया तो उसमें एम्ब्रियो है लेकिन उस एम्ब्रियो ने कंप्लीटली एंडोस्पर्म को खत्म कर दिया है, तो उसमें एंडोस्पर्म बचेगा नहीं बचेगा, ऐसे सीड को कहते हैं बेटा हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है ना बेटा, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एक मिनट बेटा, इसको मिटाते हैं। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, ये नॉन एंडोस्पर्मिक सीड यानी कि जिसमें सीड परसिस्ट एंडोस्पर्म, बात को समझिएगा बेटा, सीड परसिस्ट एंडोस्पर्म, इट परसिस्टेड एंडोस्पर्म इज यूज्ड ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। एक बार ऐसे समझ लीजिए बेटा, पहले इसको मैं लिख देता हूं यहां पर। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड जो होते हैं बेटा वो पी होते हैं, पी मटर, ठीक है ना बेटा, पी होते हैं, ग्राउंड नट होते हैं, और बीन होता है बेटा, ठीक है ना, बीन, ठीक, पी ग्राउंड नट बीन। अब समझिए कि इसके अंदर बेटा एंडोस्पर्म बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या कर चुके हैं, ये कंप्लीटली एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर चुके हैं। ये ऐसे सीड हैं जिनके अंदर बिल्कुल भी एंडोस्पर्म नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे सीड हैं जिनका एम्ब्रियो एंडोस्पर्म को कंप्लीटली कंज्यूम नहीं कर पाता है, ठीक है ना, उसको क्या कहेंगे बेटा हम एंडोस्पर्मिक सीड कहेंगे, एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। दोनों को डिफिनेशन बोल रहे हैं बेटा, इसके पहले जो बोले थे उसको भूल जाओ, ठीक है ना, वो गलत था। दोनों का डिफिनेशन हम आपको बोल के लिखवा दे रहे हैं, ठीक। एंडोस्पर्मिक सीड इसका एग्जांपल होता है बेटा कैस्टोर एंडोस्पर्मिक सीड में, और कोकोनट, ठीक है ना, कैस्टोर कोकोनट। अब यहां पर आप डिफिनेशन को नोट कर लीजिए बेटा, बहुत ही सिंपल है, एक लाइन का डिफिनेशन है। किताब में वैसे साफ साफ लिखा भी है कि एंडोस्पर्म परसिस्ट इन मेच्योर सीड, यानी कि अगर एंडोस्पर्मिक सीड है, वो बात इसकी कर रहे हैं हम, इसकी एंडोस्पर्मिक सीड की, एंडोस्पर्म सीड का डेफिनेशन नोट कर लीजिए कि इफ एंडोस्पर्म परसिस्ट इन मेच्योर सीड दीज आर कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक ना। इट इज यूज्ड ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, यानी कि वो जो एंडोस्पर्म बचा है वो जब सीड जर्मिनेट करने लगेगा तब वो यूज किया जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और बात करते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड की, तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में इसमें क्या होता है, एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग डेवलपिंग एम्ब्रियो। बात समझ में आ रही है बेटा, कि जो एंडोस्पर्म है वो कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया जाता है ड्यूरिंग द डेवलपिंग एम्ब्रियो, इट इज कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। होप ये बेटा आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, इसको देखते हैं मैच्यूरेशन ऑफ ओयूल, ठीक है ना, मैच्यूरेशन ऑफ ओयूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट। अब ये आपको समझ में आ गया होगा डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। नहीं बेटा अभी रुकिए, अभी हम इसको एम्ब्रियो को भी देखेंगे, एम्ब्रियो कैसे डेवलपमेंट होता है तब इस पे चलेंगे, ठीक है ना। अभी आपको एंडोस्पर्म बताया है, अब एम्ब्रियो कैसे बनता है इसको देखते हैं। तब तक आप नोट कर लीजिए और जो बोला है उसको भी नोट कर लीजिए, इसको हम मिटाते हैं तब। हाँ बेटा, अब हम डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो को देखते हैं। एंडोस्पर्म को हम समझ चुके हैं, ठीक है, अब हम डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो को समझते हैं, इसमें होता क्या है, ठीक है ना। अब सवाल ये है कि पहले एंडोस्पर्म डेवलप होगा
कि पहले एम्ब्रियो डेवलप होगा। अब आप खुद डिसाइड कीजिए कि बेटा जैसे ही आपका एंडोस्पर्म मल्टीप्लाई करने लगता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है, जस्ट तुरंत बाद ही ये एम्ब्रियो का भी डेवलपमेंट होने लगता है। ठीक है ना, यहां पर लिखा हुआ है एम्ब्रियो फॉर्मेशन स्टार्ट्स ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। जैसे ही एक निश्चित मात्रा में एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, वो न्यूट्रिशंस की सप्लाई करने लगेगा और तुरंत ही एम्ब्रॉय का डेवलपमेंट होने लगेगा। तो एम्ब्रॉय का डेवलपमेंट बेटा आप किताब में देखेंगे तो ज्यादा बेहतर दिखेगा, फिर भी मैंने यहाँ पर एक फ्लो चार्ट में इसको समझाने को कोशिश किया है। ठीक है ना, आप किताब को ध्यान से देख लीजिए, एनसीईआरटी को उठाइए, बार बार मेरी एनसीईआरटी यहाँ रखी रहती है, मैं देखता रहता हूँ। यहाँ पर ये पूरा का पूरा शेप दिखाई दे रहा है, इसी शेप को मैं यहाँ पर लिखा हुआ बेटा इसी फ्लो चार्ट को। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, जो एम्ब्रियो होता है बेटा, ये एम्ब्रियो माइक्रोपाइलर एंड से डेवलपमेंट शुरू करता है। अब क्या होगा, सिंगेमी होगा, आपको पता ही है सिंगेमी में क्या होगा, फर्स्ट मेल गैमेट्स एग को फर्टिलाइज किया, फर्टिलाइज करने के बाद क्या बनता है आपको पता है, जायगोट बनेगा। अब जायगोट जो है बेटा वो अब माइटोटिक डिवीजन करना प्रारंभ कर देगा। जैसे वो माइटोटिक डिवीजन करना प्रारंभ करेगा, वो क्या बनाएगा बेटा, प्रो एम्ब्रॉय बनाएगा। किस ओर डेवलप हो रहा है, माइक्रोपाइलर एंड की ओर डेवलप हो रहा है बेटा, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है ना, फिर वो बनाता है ग्लोबुलर शेप में बन जाता है। ठीक है ना, ग्लोबुलर शेप में बन जाएगा, ग्लोबुलर शेप के बाद बनता है बेटा है, क्या है यहाँ पर, हार्ट शेप एम्ब्रियो। चित्र को देखते रहिए बेटा, एनसीईआरटी को साथ में रखिए, हार्ट शेप एम्ब्रियो बन जाएगा। हार्ट शेप एम्ब्रियो में आप देख रहे हैं वो एक सस्पेंसर है। ठीक है ना, सस्पेंसर का काम होता है बेटा फिजिकल सपोर्ट का काम होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और ग्रोथ रेगुलेटर का काम करता है, आप इतना जानते रहिए। ठीक है ना, ये सस्पेंसर का काम होता है। फिर आगे जैसे ही वो हार्ट शेप एम्ब्रियो से आगे बढ़ता है, वो एम्ब्रियो मेच्योर हो जाता है। ठीक है, ये मोनोकार्ट और डाईकार्ट में सिमिलर वे में ये इसका डेवलपमेंट होता है। अब सवाल ये है कि जो एम्ब्रियो होते हैं, जो सीड होते हैं, वो सीड तो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मोनोकॉटिलीडंस, एक होते हैं डाईकॉटिलीडंस। तो यहाँ पर जो इसका डेवलपमेंट दिखाया है, यहाँ पर फिगर में जो यहाँ पर दिखाया है, ये तो डाईकॉट का दिखाया गया है बेटा। ठीक है ना, यहाँ पर फिगर संख्या 2.3 जो है बेटा, ये डाईकॉट का यहाँ पर दिखाया गया है, इसको आप देख लीजिएगा, इसके नीचे इस फिगर को भी ड्रॉ कर लीजिएगा। अब सवाल ये है कि जो सीड होता है, वो सीड तो दो प्रकार का होता है, कैसे, एक मोनोकॉट होता है, एक डाईकॉट होता है। वो आपको पता है मोनोकॉट डाईकॉट क्या होता है। ठीक है ना, जिसमें दो कॉटिलीडंस होते हैं वो डाईकॉट कहलाते हैं, और जिसमें सिंगल कॉटिलीडंस होते हैं वो मोनोकॉट कहलाते हैं। तो अब मोनोकॉट डाईकॉट सीड में दो तरह के एम्ब्रियो भी बनेंगे बेटा। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक हमने डाईकॉटिलीडंस को ड्रॉ किया है, यहाँ पर हमने मोनोकॉटिलीडंस को ड्रॉ किया है। ठीक बेटा, अब यहाँ पर सबसे पहले हम डाईकॉट एम्ब्रियो को समझने की कोशिश करते हैं। एक चीज और बेटा, यहाँ पर जो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज नोन एज एम्ब्रियोजेनी, ये भी याद रखिएगा, एनसीईआरटी ने दिया हुआ है हाईलाइट करके ब्रैकेट में। एम्ब्रियोजेनी क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो या फिर फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनी, और स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इज एम्ब्रियोलॉजी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है ना, एम्ब्रियोजेनी और एम्ब्रियोलॉजी क्या है। ठीक, जेनी मतलब जनरेशन, बनना, फॉर्मेशन होना। ठीक, यहां पर देखो बेटा डाईकॉट एम्ब्रियो को समझने की कोशिश करते हैं। डाईकॉट एम्ब्रियो में बेटा दो एम्ब्रियोनल एग्जिस दिखाई देंगे आपको। क्या क्या बेटा, दो एम्ब्रियोनल एग्जिस, इसको क्या कहेंगे बेटा, एम्ब्रियोनल एग्जिस। यहां पर एक एम्ब्रियोनल एग्जिस एपिकॉटिल है, एक एम्ब्रियोनल एग्जिस हाइपोकॉटिल है। ठीक है बेटा, जो एपिकॉटिल है ये टर्मिनेट हो रहा है किस, कॉटिलेडंस के अबव। ठीक है ना बेटा, जो कॉटिलेडंस के अबव जाकर के ये टर्मिनेट हो रहा है, कहां पर, ये प्लूम्यूल के पास। ठीक है ना बेटा, ये एपिकॉटिल जो है, आप सीधा सीधा एक लाइन में इसको समझने की कोशिश कीजिए, एनसीईआरटी ने भी लिखा हुआ है कि एपिकॉटिल क्या चीज है, इट इज द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एग्जिस विच लाई बिलो द कॉटिलीडंस इन ए डाईकॉट एम्ब्रियो। बेटा जैसे मैंने कहा अबव, ये अबव नहीं होगा, ये लाई बिलो द एम्ब्रियोनल एग्जिस। ठीक है ना बेटा, लाई बिलो द एम्ब्रियोनल एग्जिस
इज नोन एज एपिकॉटिल। आप नोट भी कर लीजिए, जैसे मैंने नोट किया है द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एग्जिस विच लाई अबव द कॉटिलीडन। फिर से एक बार बेटा बोल दे रहे हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पर, दो बार मिस्टेक हो चुका है, एक बार मैंने अबव कहा एक बार डाउन कहा, ठीक है ना बेटा, अबव ही होता है। फिर से सुन लीजिए एक बार ध्यान से, नोट भी कर लीजिए, द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एग्जिस विच लाई अबव द कॉटिलीडन इन ए डाइकॉट एम्ब्रियो इज नोन एज एपिकॉटिल। ठीक है ना, आप समझ पाए बेटा, ये कॉटिलीडन्स के अबव ही होता है, नीचे नहीं होता है, कॉटिलीडन्स के अबव ही होता है। ये टर्मिनेट होता है कहां पर आकर के बेटा, प्लूम्यूल के पास। प्लूम्यूल को हम बेटा स्टेम टिप कहते हैं, यानी प्लूम्यूल क्या बनाता है, सूट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, सूट का फॉर्मेशन करेगा, ये है बेटा इसका कॉटिलीडन्स। अब बात आती है किसका, दूसरे एम्ब्रियोनल एग्जिस जिसको हाइपोकॉटिल कहते हैं, इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है ना। जब ये अबव है, एपिकॉटिल अबव होगा कॉटिलीडन्स के, तो हाइपोकॉटिल क्या होगा, जो साइलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है बेटा, वो जस्ट बिलो होगा, ठीक है ना, इसको भी नोट कर लीजिए। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एग्जिस विच लाइज बिलो द कॉटिलीडन्स इन ए डाइकॉट एम्ब्रियो इज नोन एज हाइपोकॉटिल, ठीक है ना, सुन लिया आपने। अब ये भी नोट कर लीजिए एक लाइन में, इट इज टर्मिनेट विथ रेडिकल्स, ठीक है ना, इट इज टर्मिनेट विथ रेडिकल। रेडिकल क्या फॉर्मेशन करेगा बेटा, रूट का फॉर्मेशन करेगा। प्लूम्यूल क्या फॉर्मेशन करेगा बेटा, सूट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना, सूट का फॉर्मेशन करेगा। प्लूम्यूल रूट का फॉर्मेशन करेगा और ये रेडिकल रूट का फॉर्मेशन करेगा, और ये रूट कैप इस रेडिकल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। होप ये आपको बेटा समझ में आ गया होगा। आपको सिर्फ ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना होगा, और साथ ही साथ रेडिकल और प्लूम्यूल को इतनी चीजें याद रखनी होंगी बेटा। एपिकॉटिल एबव है, ठीक है ना, एपिकॉटिल एबव है, ठीक है ना, हाइपोकॉटिल डाउन है, डाउन टू द कॉटिलीडन्स, एपिकॉटिल एबव टू द कॉटिलीडन्स। अब आते हैं हम लोग किस पर, मोनोकॉटिलीडन्स पर। बेटा देखो, मोनोकॉटिलीडन्स में जो ये स्क्यूटुलम होता है, जैसे ग्रासेस में देखने को मिलता है, साफ साफ लिखा हुआ है कि इसके कॉटिलीडन्स को हम स्क्यूटुलम कहते हैं, ठीक है ना। मोनोकॉट्स में, मोनोकॉट्स एम्ब्रियो में इसके कॉटिलीडन्स को हम क्या कहते हैं बेटा, स्क्यूटुलम कहते हैं, जो कि बेटा ये लैटरल साइड एम्ब्रियोनल एग्जिस के लैटरल साइड पर ये प्रेजेंट होता है। अब उसके नीचे है बेटा कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल भी बेटा ये एक प्रोटेक्टिव सेथ का काम करता है। बात को समझ लीजिए, ये कोलियोप्टाइल प्लूम्यूल के लिए एक प्रोटेक्टिव सेथ का काम करता है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। इट इज ए कॉनिकल प्रोटेक्टिव सेथ दैट इंक्लोज द प्लूम्यूल इन मोनोकॉट सीड। यहाँ पर हमने साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी आप नोट कर लीजिए, ये एक प्रोटेक्टिव सेथ का काम करता है, किसको, प्लूम्यूल को, ठीक है ना। अब क्या है, सूट एपेक्स, ठीक है ना, सूट एपेक्स बेटा यही जो है प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स का काम करते हैं, यही जो है लीव्स का फॉर्मेशन करते हैं, जर्मिनेट करते हैं, यही जो है लीफ फॉर्मेशन और जर्मिनेशन का काम करते हैं, ठीक। और एपीब्लास्ट क्या होता है, एक चीज ये भी ध्यान दे लो बेटा, एपीब्लास्ट एक बार एग्जाम में पूछा गया है, एपीब्लास्ट को हम सेकेंडरी कॉटिलीडन्स भी कहते हैं, सेकेंड कॉटिलीडन्स ऑफ मोनोकॉट, बट इट इज अनडेवलप्ड, ये डेवलप नहीं होता है, ठीक है ना। एपीब्लास्ट क्या है, यह क्या होता है बेटा, सेकेंड कॉटिलीडन्स होता है बट अनडेवलप्ड होता है। अब आते हैं बेटा हम लोग किस पे, रेडिकल पे। रेडिकल क्या होता है, आपको पता है, ये रेडिकल रूट का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर स्क्यूटुलम क्या करेगा बेटा, ये स्क्यूटुलम क्या है बेटा, कॉटिलीडन्स है, सूट एपेक्स सूट का फॉर्मेशन करेगा, रेडिकल क्या फॉर्मेशन करेगा, रूट का फॉर्मेशन करेगा, रूट कैप इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, साथ ही साथ इसको प्रोटेक्ट करने का काम एक और लेयर कर रही है जो कि अनडिफ्रेंसिएटेड होती है। इस वर्ड को भी याद रखना यहाँ पर, कि जो कोलियोराइजा है, यहाँ पर स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है बेटा, यहाँ पर ओ होगा, कोलियोराइजा एक अनडिफ्रेंसिएटेड सेथ होता है जो कि इंक्लोज्ड करता है रेडिकल और रूट कैप दोनों को। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आप वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना।
वेरी इंपॉर्टेंट ठीक। आपको यहाँ पर कोलिराइजा याद रखना है, उस्किटोलम याद रखना है, कोलियोप्टाइल याद रखना है और ये एपिब्लास्ट याद रखना है। चार चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, चार चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। एक बार रैंडमली जल्दी से तेजी के साथ हम समझ लेते हैं क्या चीज है फिर से इसको। यहाँ पर ये डाइकॉट यहाँ पर स्टेम दिखाई दे रहा है, इसमें दो एम्ब्रियोनल एजेस होते हैं, एपिकॉटिल एक हाइपोकॉटिल। एपिकॉटिल टर्मिनेट होता है प्लूम्यूल पे, प्लूम्यूल बनाता है सूट टिप बनाता है, ठीक है ना। रेडिकल रूट कैप का फॉर्मेशन करता है, रूट का फॉर्मेशन करता है, रूट कैप इसको प्रोटेक्ट करता है। ये हो गया आपको क्लियर, ठीक है बेटा। अब आ जाओ मोनोकॉट एम्ब्रियो पर। मोनोकॉट एम्ब्रियो में जो स्कुटेलम होता है बेटा, यही इसका कॉटिलीडंस होता है, ठीक है, यही इसका कॉटिलीडंस होता है स्कुटेलम में। ग्रास फैमिली को याद रखना, जो ग्रास होते हैं उसमें ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक। अब जो होता है कोलियोप्टाइल, जो होता है कोलियोप्टाइल बेटा, ये प्रोटेक्शन का काम करता है, एक कवरिंग शेथ का काम करता है ये कोलियोप्टाइल, ठीक है ना, जो प्लूम्यूल को कवर करने का काम करता है। सूट एपेक्स बेटा, आपको बताया हमने कि ये सूट का फॉर्मेशन करता है, प्रीमॉर्डियल लीफ का फॉर्मेशन करता है। और एपीब्लास्ट बेटा, इसको हम सेकेंडरी कॉटिलीडंस भी कहते हैं, जो कि अंडर डेवलप्ड होता है, ये कंप्लीट डेवलप नहीं हो पाता है, ठीक है ना। अब आता है रेडिकल पे। रेडिकल सूट का फॉर्मेशन करता है और रूट कैप रेडिकल को कवर करता है। कोलियोराइजा इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अंडजा बेटा, आपको पहले ही पता है कि ये अनडिफ्रेंशिएटेड सेथ होता है, ठीक है ना। हाँ, ये इतनी चीज याद रखना, एक चीज मिस्टेक हुआ बेटा, रेडिकल रूट का फॉर्मेशन करता है, आर से याद रखना, रेडिकल है तो रूट का फॉर्मेशन करेगा, इसमें भी ये चीज याद रखना, रेडिकल रूट प्लूम्यूल सूट, ठीक है ना, प्लूम्यूल सूट, इतना आपको याद रखना है, क्लियर बेटा। ये आपको अब समझ में आ गया होगा। अब बेटा हम आगे डिस्कस करेंगे किस चीज को बेटा। यहाँ पर एक और भी चीज दिया है कि आप जैसे चना भिगो दीजिए, मटर भिगो दीजिए, उसको आप भिगोइए, उसको खोलिए, खोल के उसको आप देख सकते हैं कैसे उसमें क्या क्या चीजें, जो डाइकॉट सीड होता है उसमें आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। आपने 10th में प्रैक्टिकल में भी किया होगा इसको, ठीक, होप ये आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अब आगे डिस्कस करेंगे हम बेटा, ये जो ओयूल से सीड कैसे बनता है और ओवरी से फ्रूट कैसे बनता है, जो कि ये सेकेंड स्टेप पे हम देखेंगे इसको बेटा, हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।